सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है अब? यस सर। हाँ सर सर, आ आ रही है, आ रही रही है। है। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। इस प्रातकालीन हिंदी कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। और एक नया पाठ जो है, पेज नंबर 88 आप निकाल लें, कबीर की शबद और साखियाँ। कबीर की साखी और शबद। खंड पेज नंबर 89। पेज नंबर 89। कबीर, कबीर के बारे में आपको बताया जा रहा है। कबीर भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल के कवियों में कबीर का नाम भी लिया जाता है। कबीर एक समाज सुधारक भी थे और कवि भी थे। वाणी के डिक्टेटर भी इनको कहा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर जैसा देखते थे वैसा ही लिखते थे, आंखों देखी लिखते थे। खुद भी कबीर कहते हैं कि मसी कागज छियो नहीं, कलम लीना हाथ हाथ। तुम कहते हो, तुम लिखते हो पुस्तक लिखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी। अच्छा, कबीर हमेशा जो आंखों से देख के जो है वो वर्णन करते थे। अर्थात उनकी कविताओं में काफी सच्चाई है और समाज को एक नई दिशा है। उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर, छुआछूत, भेदभाव, जात पात आदि चीजों पर अपनी कलम चलाई और समाज को एक नई दिशा दी। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। किंवदंतियां मतलब कहावतें, कहावतें। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहावतें मतलब हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ। सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। देहांत में देह प्लस अंत, शरीर का अंत है ना, देह प्लस अंत देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। समझो, कबीर खुद ही कहते हैं कि मसी कागज छियो नहीं, कलम लीना हाथ। खुद ही उन्होंने अपनी लेखनी में कहा है, अपनी जीवनी में कहा है। समझो, मसी कागज छियो नहीं, कलम लीना हाथ। अर्थात कलम और पेन, कागज को तो हाथ भी नहीं लगाया कभी। पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव, इसके आधार पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्ति कालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, मौजूद हैं। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का
संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। तो ये देखिए, गुरु ग्रंथ साहब जो है गुरु नानक द्वारा रचित सिक्कों का आदि ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ माना जाता है, पवित्र पुस्तक है। और निर्गुण संत, सगुण संत, सगुण मतलब जो ईश्वर का सगुण रूप में उपासना करते थे, और निर्गुण जो है ईश्वर को जो निराकार ब्रह्म मानते थे कि ईश्वर सभी जगह मौजूद है। सगुण जरा मूर्ति पूजा का पक्षधर है, निर्गुण जो है मूर्ति पूजा का पक्षधर नहीं है, वो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है। तो इसी प्रकार कबीर भी निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे। कबीर का स्वभाव, कबीर अत्यंत उदार निर्भय तथा सतगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्म कांड का खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। गुरु भक्ति भी कवि की जो है बहुत मानी हुई है। सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, किंतु गुरु गुण लिखाना जाए। इस तरह से कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कई कहे हैं उन्होंने, कबीरा गुरु के रूप से गुरु ना हो, कबीरा गुरु के रूप से हरि ना हो सहाय, कह कबीर रूप गुरु रूप से हरि कैसे हो सहाय। इस प्रकार से अनेक प्रकार की बातें गुरुओं के सम्मान में भी उन्होंने करी हैं, कही हैं। कवि जो है रामानंद जी के शिष्य थे, समझो, रामानंद जी के वे शिष्य थे। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है, काव्यात्मकता उनकी कविता की शक्ति है, काव्य की आत्मा है उनकी। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। दार्शनिक मतलब सोच विचार कर, जिसने विचार किया वो फिलोसफी। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, ब्राह्मणों, ग्रह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द पद में ग्रह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। दुर्बलताएं मतलब कमजोरियों से, ज्ञान से ही जो है हम अपनी कमजोरियों से मुक्त होते हैं, ये कबीर कहते हैं। तो इस प्रकार से अब हमने कबीर के बारे में जो है उसका सामान्य परिचय जो थोड़ा सा दिया, और उसमें आपने देखा। अब इसके बाद जो है हम बताते हैं आपको कि जो है क्या है। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो साखियों का सार आपको दिया जाएगा, उनका अर्थ जो आपको बताया जाएगा, समझो। कबीर की संकलित साखियों, प्रेम के महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा तथा ब्रह्य आडंबरों का विरोध किया है। प्रथम साखी में, पहली साखी जो आपको बताई जाएगी अभी, उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए हम बताएंगे। प्रथम साखी में रूपक के द्वारा भक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। भक्ति का क्या महत्व है? भक्ति और प्रेम के कारण ही आत्माओं को मुक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य के हृदय का मान सरोवर भक्ति जल से भरा हुआ है, जिसमें हंस रूपी आत्माएं मुक्ति रूपी मोती चुकती हैं। दूसरी साखी में प्रेम का महत्व बताया गया है। प्रेमी को प्रेमी मिल जाने से सारा विश्व अमृत हो जाता है। तीसरी साखी में सहज ज्ञान की महिमा का वर्णन है। चौथे दोहे में संत के लक्षणों का उल्लेख हुआ है। जो संत निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करता है, वही संसार में सच्चा संत कहलाता है। पांचवें व छठे दोहों में कबीर ने धर्म के भ्राय आडंबरों का विरोध किया है। अंतिम साखी में कर्म पर बल दिया गया है। कर्म ही व्यक्ति की पहचान है। केवल उच्च कुल में जन्म लेना नहीं, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे कही ऊंच ना होई, सोवन साधु कलश भैया, साधु निद्रा सोई, कहा भी गया है। तो इस प्रकार से साखियों में पेज नंबर अब निकाल लेंगे, 91 पेज नंबर 91 अब जो है 91 पेज आ गया, पेज नंबर 91 साखियां, समझो, पेज नंबर 91 आपका अब जो है मेन टॉपिक जो है अब शुरू होता है, साखियां। साखियां जो है, साखी क-
कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी का अर्थ साक्षी है। साक्षी मतलब गवाह, जो सामने देखे प्रत्यक्ष रूप से जो सामने देखा है उसका वर्णन जो है कबीर करते थे, प्रत्यक्ष रूप से जो सामने जो है उसका वर्णन जो है कबीर करते थे। तो इसलिए कबीर के दोहों को दोहे ना कहकर साखियां कहा जाता है, साखी केवल कबीर के लिए ये साखी शब्द मतलब प्रयुक्त है, ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से पहली साखी को हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम फिर जो उसका वर्णन उसका भाव स्पष्ट करेंगे। मान सरोवर सुवर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनथ ना जाही। तो इस प्रकार से पहली साखी में कबीर दास जी कह रहे हैं कि जो है पहली साखी में कबीर दास जी कहते हैं मन रूपी सरोवर तालाब हरि भक्ति रूपी जल से अच्छी तरह भरा हुआ है। मन रूपी सरोवर तालाब हरि भक्ति रूपी जल से अच्छी तरह भरा हुआ है जिसमें हंस रूपी आत्माएं स्वच्छंदता पूर्वक क्रीड़ा करते हुए मुक्ति रूपी मोती को चुकती रहती हैं। जब वे आत्माएं एक बार मुक्ति रूपी मोती को चुग लेती हैं तो फिर उड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाती। ईश्वर को भक्ति के द्वारा प्राप्त करने पर आत्माएं जीवन मरण के बंधन से छूट जाती हैं। इस प्रकार से भक्ति पर आधारित जो ये बातें हैं इनको आप थोड़ा समझिए, समझो। और दूसरा दोहा है कबीर का, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कबीर दास जी कहते हैं अहंकारी को इस दुनिया में प्रेमी ढूंढने पर भी नहीं मिलता, अर्थात यदि हमारे मन में अहंकार है तो हमें प्रेमी नहीं मिल सकता, एक सच्चे प्रेमी को ही प्रेमी मिल सकता है। जब एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिलता है तो सारा विष अमृत हो जाता है। जिस प्रकार से अग्नि जो है जब पानी के संपर्क में जाती है तो बहुत ठंडी हो जाती है, उसी प्रकार से आत्मा तृप्त हो जाती है जब एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाता है। आत्मा की तृप्ति का वर्णन यहाँ पर कबीर करते हैं, अर्थात सभी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं, बुराइयां जो अच्छाइयों में तब्दील हो जाती हैं, बदल जाती हैं, समझो। मन का विकार समाप्त हो जाता है, मन का विकार मतलब मन के दोष, मन के अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी विकार हैं, जो भी बुरी बातें हैं, उन सबका अंत हो जाता है। कब? जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो मन का अहंकार समाप्त होने पर ही प्रेम संभव है, प्रेम तब संभव होता है। कबीर कहते हैं कि प्रेम की उत्पत्ति तब होती है जब हमारे अंदर का अहंकार अहम भाव जो समाप्त हो जाए, हम जो है आदर करें, दूसरे का सम्मान करें, दूसरे की इज्जत करें, दूसरे के भावों को समझें, तब जो है हमारे दूसरे के अंदर प्रेम पैदा होता है, तब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार प्रेम की संकल्पना है ना, और प्रेम होने पर सभी प्रकार के विकार समाप्त हो जाते हैं। तो प्रेम जब दोनों तरफ अच्छाइयां हो गई तो अपने आप दोष मुक्त हो गई, सभी जिसके अंदर अच्छी अच्छी बातें आ गई, सभी के अंदर सादगी आ गई, मन की पवित्रता आ गई, समझो, मन पवित्र हो गया और अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे गुण आ गए, समझो, परोपकार की भावना आ गई। इस प्रकार से कबीर जो है प्रेम एक प्रेमी का दूसरे प्रेमी से मिलन में इस प्रकार के भावों को व्यक्त करते हैं। तीसरा वाला दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। अर्थात ज्ञान मार्गी कबीर कहते हैं कि साधक को सहज समाधि का कालीन गलीचा डालकर ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए साधक को स्वाभाविक रूप से लगने वाली समाधि लगानी चाहिए, समाधि लगाने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार हाथी अपनी मत्स्य चाल से ही चलता है और अपने पीछे भौंकने वाले कुत्तों की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार साधक को भी अपनी आलोचना करने वालों की चिंता नहीं करनी चाहिए, आलोचकों की बेवजह आलोचना करने देनी चाहिए। अर्थात अपने बुराई जो करता है, अपनी आलोचना करता है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जब हम किसी लक्ष्य को साध लेते हैं, हम किसी कार्य को करने का संकल्प कर लेते हैं, तो कुछ लोग हमारे पीछे जो है कहते हैं कि अब यह बदल गया, बहुत बातें कहते हैं,
लेकिन हमें उससे नहीं हटना चाहिए, हमें अपने कार्य को करते रहना चाहिए, बुराइयों आलोचकों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जिस फिर कबीर ने एक तुलनात्मक एक निरूपक भी प्रस्तुत किया है, जिस प्रकार से एक मस्त हाथी जो अपनी चाल में चलता रहता है, उसके पीछे कुत्ते भौंकते हैं तो उसकी वह परवाह नहीं करता, कुत्तों को भौंकने देता है लेकिन वह अपनी चाल में कोई अंतर नहीं आने देता। इस प्रकार से कबीर ने जो है समझाने का एक अथक प्रयास किया है। चौथा है, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक हुई के हरी भजे कोई संत सुजान। यह संसार ईश्वर को प्राप्त करने के अपने अपने मार्ग का पक्ष लेने और दूसरे के मार्ग का विरोध करने के चक्कर में भूला हुआ है। कोई कर्म उपासना भक्ति ज्ञान वेद योग आदि का पक्ष लेता है तो कोई इसका विरोध करता है। विभिन्न संप्रदाय पक्ष विपक्ष के चक्कर में परस्पर लड़ते हैं, अर्थात कहते हैं कि एक धर्म बड़ा है दूसरा धर्म छोटा है, ये बातें गलत हैं, इससे समाज में अव्यवस्था फैलती है और जो है समाज टूटता है, समझो। तो यह चीजें सही नहीं है, ये चीजें सब गलत हैं। जिस प्रकार से सारी नदियां जो है समुद्र की ओर जाती हैं, समुद्र में ही मिलती हैं, उसी प्रकार संसार के जितने भी धर्म हैं वह सब ईश्वर की ओर ही ले जाते हैं, सभी अच्छी बातों को लिए हुए हैं। कोई भी धर्म छोटा नहीं है, कोई भी धर्म बड़ा नहीं है, सर्व धर्म सर्व समान समझो, सभी धर्म एक समान है, समझो। कोई कर्म उपा इस प्रकार सारा संसार ईश्वर प्राप्ति का उचित मार्ग भूल गया है। कबीर कहते हैं कि साधक पक्ष विपक्ष के चक्कर में ना पड़कर अपने मन को ईश्वर की भक्ति में निष्पक्ष होकर लगाता है, भाई संत सज्जन चतुर और ज्ञानी है, भाई ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर को प्राप्त वही कर सकता है जिसका मन एकाग्र है, जिसकी आत्मा पवित्र है, जिसका मन पवित्र है, जो एक निष्ठा पर चलता है, वही जो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। बिना मन की पवित्रता की हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, हम उस ज्ञान के दर्शन नहीं कर सकते, समझो। इसलिए सबसे पहले मन की शांति और मन की एकाग्रता बहुत ही आवश्यक है। माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, करका मन का डारी दे तो मन का फेर। सुना भी आपने, मुझे इस माला को फेरते फेरते बहुत लंबा समय बीत गया, लेकिन फिर भी मेरे मन का अंधकार दूर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी भी इस माला को अपने मन से नहीं जपा, समझो। तो इसलिए मेरे मन में अशांति रही, समझो। ये बताता है, पहले सुना है आपने धुआ जवाल। तो पांचवा देखो, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई कहे कभी सो जीवता जो दूह के निकट न जाई। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल डालते हुए कबीर दास जी कहते हैं, कबीर दास जी निर्गुण निराकार एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, राम और खुदा एक ही हैं, लेकिन हिंदू राम नाम को रटकर अपने संप्रदाय की श्रेष्ठता में मर मिटे तो मुसलमान खुदा को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में नष्ट हो गई। अर्थात हिंदू मुसलमान दोनों एक दूसरे के विरोधी मार्गों को अपनाने के कारण परस्पर झगड़ते हुए मरते रहे। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे मत से वही व्यक्ति जीवित है जो इन मतभेदों में न पड़ ईश्वर की उपासना करता है और सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। कबीर दास जी ने कहा है, जाति पाति कोई पूछे ना हमसे नाहीं, जो हरि को भजे सो हरि को होई, समझो। अर्थात हमें कोई धर्म संप्रदाय को नहीं पूछना चाहिए, हमेशा जो है हरि का भजन करना चाहिए। अब छठा है, काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। इस भाव में कबीर दास धर्म के भ्राय आडम्बरों अर्थात तीर्थों का विरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि समन्वयी मध्यम मार्ग को स्वीकार करते ही हिंदू मुसलमान विरोधी स्थिति प्राप्त हो गई। मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल काबा तो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल काशी बन गया, और हिंदुओं के उपास्य देव राम मुसलमानों के रहीम बन गए, अर्थात दोनों के तीर्थ स्थल
और आराध्य में कोई अंतर नहीं रह गया। वास्तव में धर्म का भाई रूप जो छोटे मोटे मोटे आटे के समान दिखाई पड़ता था, मध्यम मार्ग को अपनाने के कारण बारीक मैदा रूपी अंध कर्म में परिवर्तित हो गया। कबीर दास जी कहते हैं कि बैठ कर उसका भोग कर रहा हूँ, अर्थात दोनों धर्मों को आत्मसात कर उनका आनंद ले रहा हूँ। इस प्रकार कबीर ने दोनों संप्रदायों की एकता पर बल दिया। तो इस प्रकार से सामाजिक एकता पर भी कबीर ने बहुत कलम चलाई, बहुत बल दिया। समझो, तो इस प्रकार से जो हमने इन छह साखियों का अर्थ जो हमने पढ़ लिया, समझो। ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे कहीं ऊंच ना होई, सातवां जो ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई, सुवर्ण कलश सुरा भया साधु निद्रा सोई। इस दोहे में कबीर ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया है। व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी यदि निम्न कार्य करता है तो उसका उच्च कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। अर्थात उच्च कुल में उत्पन्न होने के बाद भी व्यक्ति यदि निम्न कोटि के कर्म करता है, वह छल कपट अहंकार झूठ आदि बोलता है तो उसका उस कुल में पैदा होना बेकार है। उसकी स्थिति तो सोने के कलश में भरी हुई शराब जैसी है। एक उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसकी समस्त सज्जन निंदा करते हैं। तो इस प्रकार से आप सुनिए, समझिए इनको, इनके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए आप। तो इस प्रकार से कबीर के साखियों का अर्थ जो हमने स्पष्ट किया। अब इसके बाद जो है इसमें जो है साखियों पर भी कुछ प्रश्न हैं। साखियों के प्रश्न पहले करवाए जाएंगे, उसके बाद जो है आपको शब्द बताए जाएंगे। समझो, इसलिए पहले साखियों के प्रश्न जो है आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसमें पहला ज्यादा बड़े प्रश्न नहीं है। साखियों में पहला प्रश्न है, मान सरोवर से कवि का क्या आशय है। समझो, प्रश्न उत्तर है। अब प्रश्न उत्तर साखियों से है ये। प्रश्न उत्तर ये वही प्रश्न उत्तर है जो आपकी किताब में दिए गए हैं, जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, वही प्रश्न उत्तर आपको करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा कोई भी अतिरिक्त प्रश्न आपको नहीं करवाया जा रहा है, इसमें आप ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, मान सरोवर से कवि का क्या आशय है। लिख लीजिए प्रश्न उत्तर एक। मान सरोवर से कभी का आशय आपने देख लिया। मान सरोवर से कभी का यह आशय है कि मन रूपी सरोवर ये आशय है। समझो, ये प्रश्न का उत्तर आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न, कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। समझो,
देख लीजिए बदल जाता है ना? सर हाँ सर, ये जो आपने लिखा है कसौटी बताई है, इसके आगे क्या लिखा है? जिसमें जिसमें ठीक है, एक मिनट थोड़ा सी कर, जिसमें इस प्रकार से आप देख रहे हैं, समझो। दूसरा प्रश्न भी लगभग कंप्लीट कंप्लीट हो गया है, समझो। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? समाधि द्वारा सर बोर्ड पर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्लियर है। समाधि द्वारा सहज सहज ज्ञान को तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया आपका, ठीक है। तीन प्रश्न करवा दिए गए हैं, अभी आगे का देखिए। चौथा, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? चौथा प्रश्न आपको करवाया जाएगा, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? देख लीजिए, चौथा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है, वह सच्चा संत कहलाता है।
अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। संकीर्णताएं मतलब छोटी छोटी बातें, मतलब संकीर्णताएं मतलब छोटी छोटी बातों की ओर संकेत किया है, छोटे विचार। राम रही फल लग मानने हाँ हो रहा है तो संकीर्णताओं की ओर आजे नाइन्थ क्लास ले रहा है। तो इस प्रकार से हमने पांच प्रश्नों के उत्तर आपको दिए, आप इनके उत्तर लिख लीजिए, ठीक है। पांच प्रश्नों के उत्तर हमने आपको लिख दिए हैं। अब इसके बाद अब आगे के प्रश्नों ना आपको करवाएंगे, समय को देखते रहिए और आप अपना अटेंडेंस भेजिए। कितने बच्चे 32 इसमें संख्याएं आपकी बहुत कम है वैसे, ये एक अच्छी बात की और संकेत नहीं है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी संख्या इसमें बढ़नी चाहिए। क्लास जब चल रहा है तो ये आपके हित के लिए, आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है, समझो। तो बहुत से बच्चे नहीं जुड़ते हैं, वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं वो तो अब हाई ऊंचे दर्जे के, समझो। जो नहीं कर रहे हैं वो कहाँ क्या कर सकते हैं, बहुत गंदी बात है। इसलिए कक्षा में जुड़ना बहुत अति आवश्यक, समझो सर जी। थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दीजिए, कैमरा हाँ सर नीचे कर देंगे, बस हाँ सर बस 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 सर। ओके वेरी गुड। तो पांच प्रश्नों के उत्तर आपको किए, इनको आप करिए और याद करने का भी समय चाहिए। छोटे छोटे प्रश्न है इसके, तो काव्य के तो ज्यादा बड़े भी नहीं है, अच्छी बात है बहुत। बहुत से बच्चे बिल्कुल भी संपर्क में नहीं है,
तो इस प्रकार से आप अपना कार्य करते रहिए। छोटे छोटे प्रश्न काव्य में जो है हमने 5 तक आपको करवाए, आगे के जो है हम करवाएंगे आपको अगले पीरियड में। अब 5 प्रश्न आज होंगे, आज का डेट 21, ठीक है। आ जाना है अभी से 5 मिनट और। हाँ तो रस सर भी आ गए, मैडम भी आ गई, और सही है, जितनी ज्यादा है उतना अच्छा है यार। और रामनवमी का तो मैसेज मिल गया आपको, रामनवमी का मैसेज। अरे यार वो जरूरी था यार। उधर ले लेता ना, अच्छा अच्छा नहीं है थोड़ा, 2-3 मिनट और थोड़ा लिखने और खत्म हो जाएगा, तब कर दूंगा। हो गया वैसे तो इस प्रकार से धीरे धीरे अब समय आपका समापन की ओर है, और हम जो है इसे अब जो है रब करेंगे। जल्दी से आप अपना कार्य कंप्लीट कर लीजिए, है ना। और जैसा आपको बताया जा रहा है, साफ सफाई अपने कार्य में बनाए रखें, समय से कार्य पूरा करें,
हमने आपको होमवर्क भी आपको दिया है, मेरी रोचक यात्रा का वर्णन इस पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है, 24 तारीख तक आप कंप्लीट करके उसको भेजें, हम आपको चेक करके आपको रिटर्न करेंगे, समझो। तो इस प्रकार से ओके वेरी गुड, इस प्रकार से आप कार्य को कार्य से जुड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा, समझो। इस प्रकार से हम बराबर मिलते रहेंगे और करते रहेंगे, बहुत अच्छी भावना का परिचायक है। बस होने वाला है, हो गया रब कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट, ये 9th स्टैंडर्ड है सर, 9th। इस प्रकार से अब आपका समय समाप्त हुआ, सी यू अगेन, ऑल द बेस्ट।